वीडियो चालू कर दो जल्दी से, जो बातें वो साफ साफ एक बार में बता दूंगा मैं, कोई तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बताने के तरीके तो दो तीन है कि मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा, अपन रखना चाह रहे लाइट एकदम हल्का, ऐसे फ्लेकी फ्लेकी रखना चाह रहे हैं अपन इसको। जी तो क्या हुआ कि अब आपको पता ही है कैसा माहौल चल रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है अपने अपने घर पर रहें, क्या रहें, सुरक्षित रहें जो कि ज़रूरी है, 3 मास्क पहन लें, डबल से भी नहीं काम चल रहा है तो वैक्सीन लगवा ही लेना आप लोग। हाँ, और उसके अलावा अगर घर पे बैठ के बोर हो रहे हो, बिल्कुल ही मैयत आ रही है तुमको, तो हम बता दें कि अमेज़ॉन प्राइम पे बहुत बढ़िया पिक्चर आई हुई शेरनी, ठीक है, हाँ ना, उससे तुम्हारा थोड़ा टाइम तो पास हो जाएगा, थोड़ा सोचने को मिलेगा कि जंगल और शहर के बीच में क्या बैलेंस है वो भी जानने को मिलेगा, और जंगल जो है वो बहुत खूबसूरत है, ये मैं तुमको पहले बता दूँ, कोई और ओपिनियन में चलाने नहीं दूंगा तुमको, जो क्या कि जंगल है एमपी के, मध्य प्रदेश के, वो जगह जहाँ मेरा अपना घर रहा है, जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, ये बदन जो है वो सेम और पोहे से बना हुआ है, और इसमें जो खुशबू गई है वो जीरा वन की गई है भाई साहब, गराड़ू तुम्हें नहीं पता क्या है, तुम किसी दिन पहुंचोगे तब तुमको पता चलेगा। तो मतलब ऐसा है, अब वहीं पे कोई पिक्चर शूट होगा ये तो तुमको क्या लग रहा है, हम पूछेंगे नहीं, तो हमने बात करी विद्या बालन से, मैंने कहा इधर आओ यार तुम, ज़रा बताओ हमको ढंग से क्या करके आ रही हो तुम वहाँ पर, तो वो बातचीत हम आपको सुनाएंगे आज, और देखिएगा आपको भी मज़ा आएगा, स्वाद आएगा, लला भाई कहो गया यार जाकिर भाई यार आए थे बता के गए, है कि नहीं? ठीक है करते हैं। तो आपको पता है कि साहब जंगल में अगर रहना है तो शेरनी से पंगा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे ही बॉम्बे में अगर रहना है तो विद्या बालन से पंगा नहीं ले सकते, ऐसा कहा जाता। तो आज हमारे साथ उनकी बड़ी जबरदस्त फिल्म आई है, सब लोगों ने देख ली है ना, जो ही 2-4, 10-15, 20-25 लोग बचे हैं है ना, वो भी पता नहीं क्या किस काम में लगे हुए, वो भी देख ही लेंगे। हाँ, तो अब हमें लगा कि जब इतनी ही ज्यादा चल गई है तो हम भी जरा उनसे बात कर लें। तो विद्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पहली बात तो बहुत मुबारक हो, मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मेरी फेवरेट, उसका समा जो बांधा है वो उस जगह जहाँ आपने शूट किया उससे भी मेरे ख्याल से बहुत बांधा, कि जिस तरह की लोकेशन आपने चूज करी, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है आपने पूरा का पूरा शूट जो है वो बालाघाट और उसके आसपास और एमपी में ही किया है, मतलब, और मैं इंदौर से हूँ तो पर्सनली मेरे लिए बहुत कैसे ओवरवेलमिंग था वो जगहें देखना जो कभी मैंने बचपन में एक आध बार विजिट करी, तो उसके बारे में बताइए ना थोड़ा सा कि आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पे शूट करने। बहुत अच्छा रहा, पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि हमारे जंगल जंगलों में इतनी खूबसूरती है, यू नो, बिकॉज हम एमपी में, भारत में इतनी खूबसूरती बसी हुई है, मुझे पता नहीं था। मैं ऑफकोर्स प्रमोशंस वगैरह के लिए गई हुई थी, कभी मेरी शूटिंग वहाँ नहीं हुई थी, तो ये बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा। और हमने अलग अलग जगह, बालाघाट में तो हमारी बहुत शूटिंग हुई, उसके अलावा भूतपलासी एक जगह है, एंड मतलब वहाँ जाके ऐसा लगता था कि कहीं और आप स्वर्ग में आ गए, दूर दूर तक बिल्डिंगें नहीं, यू नो, बहुत कम लोग, बस खेत जंगल, और इतना सुकून महसूस हुआ मुझे वहाँ शूट करके कि यू नो, मुझे इस फिल्म पे एक्चुअली बतौर कैरेक्टर मैं ज़्यादा बोल नहीं रही थी, पर ऑफ कैमरा भी मैं ज़्यादा बोल नहीं रही थी जाकिर, क्योंकि ऐसे लगता है ना कि सब कुछ थम सा गया है, आप अपनी हार्ट बीट खुद सुन पा रहे हैं, यू नो, उसके अलावा वो झरनों की आवाज़ और फिर पंछियों की आवाज़, वो पत्तों के, सूखे पत्तों की आवाज़ जब कोई उस पर चलता है, वो सब एक एक अलग ही अनुभव था। भूतपलासी का एक्सपीरियंस और बालाघाट में कितना फर्क आपको लगा एस इन टर्म्स ऑफ विजिटिंग दिस प्लेस, क्योंकि क्या है कि मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे हिडन जेम्स जिनको कहते हैं ना, कैसे छुपी हुई जगह है बहुत सारी जहाँ पे हम जा सकते हैं, जहाँ लोगों को जाना चाहिए और उनको पता ही नहीं उसके बारे में, तो ऐसी कौन सी जगह आपको लगी जो आपको लगा कि यार यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं लोग, या यहाँ पे आना चाहिए था, या मैं दोबारा आऊंगी? जैसे मैं भीमबेटका जा नहीं पाई, पर मैंने भीमबेटका के बारे में सुना, देलावाड़ी में के पास जो है वो भूतपलासी के बहुत पास है, पर वहाँ के जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो लगा कि अरे यहाँ आने से पहले किसी ने भीमबेटका की मुझसे बात क्यों नहीं की, यू नो, और बस वो जो भूतपलासी से लेकर देलावाड़ी तक का जो ड्राइव था, मतलब आप फिल्मों में देखा है, मैंने इंटरनेशनल फिल्म्स देखी हैं जहाँ बस
द रोड्स आर सो ब्यूटिफुल, यू नो, ग्रीन, लश ग्रीन, और दूर दूर तक कुछ नहीं, एंड द वेरियस कलर्स ऑफ द ट्रीज एंड लीव्स, एक यू लिटरली फील लाइक आप एक पिक्चर पोस्ट कार्ड के अंदर हो, एंड मुझे वही लगता था. और लगता था कि हम लोग यहाँ, ऑफकोर्स और रिजॉर्ट्स वगैरह बन गए तो फिर उस जगह की खूबसूरत खूबसूरती चली जाएगी या कम हो जाएगी कमर्शलाइजेशन के वजह से, पर फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं ये. आई थिंक भूतपलासी और बालाघाट के बीच यही फ़र्क था कि भूतपलासी में शूट कर रहे थे तो तब कुछ नहीं था ना, पैंडेमिक नहीं था, तो आज़ादी बहुत थी. और बालाघाट में जब शूटिंग हुई तो ये था कि हम लोग शूट पे जाते थे बालाघाट, गाड़ी में बैठ के जाते थे, वापस लौट के होटल आते थे, कहीं जाने की हमको छूट नहीं थी. तो पर बालाघाट में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस में हमारी शूटिंग हुई. तो ये बालाघाट तक पहुंचे कैसे आप? तो हमारे प्रोड्यूसर ने प्राइवेट जेट का बंदोबस्त किया ताकि हम सेफली वहां पहुंच जाए. काफी, हाँ, पर काफी लोग जो यूनिट के लोग थे, आई थिंक दे ट्रेवल टू नागपुर एंड ड्रोव डाउन टू गोंदिया. हाँ, हम सब गोंदिया में रुके हुए थे. अच्छा, बस एक मिनट, सॉरी, मैं अपने फैंस को जरा बोल दूं कि ये क्या है, कब पहुंचूंगा मैं यहाँ, कब पहुंचाओगे तुम मुझे, ये गोंदिया के एयरपोर्ट पे प्राइवेट जेट कब आ रहा है अपना? अब तक प्लेन में बैठता रहूंगा मैं, यहाँ तक लाओ, आगे भी लेके जाओ भाइयों, कुछ करो, ठीक है? माशाल्लाह से. अच्छा, तो आपने देखिए जिस इलाके में आप थी वहां पे, जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पे, वो बहुत मशहूर है अपनी साड़ियों की, चंदेरी साड़ियां, वो जो जो इलाका है, तो क्या आपने कुछ खरीदी कुछ? आप तो साड़ियां बहुत पहनती हैं, आप तो एम्बेसडर हैं साड़ियों की, मतलब. हाँ, पर यू नो मैं कहीं जा नहीं पाई साड़ी खरीदने, स्पेशली अक्टूबर नवंबर में तो कुछ खुला भी नहीं था. पर ये जो साड़ी मैंने पहनी है, दिस इज अ कॉटन चंदेरी, और अच्छा, चंदेरी तो बहुत फेमस है वहाँ का. एंड आई डिडंट गेट टू शॉप, पर वैसे भी मुझे चंदेरी साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो काफी सारे वीवर्स से मैं चंदेरी साड़ी मंगवाती रहती हूँ. अच्छा अच्छा, ये हुई ना बात, से वीवर्स से ही मंगवाई, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में कोई, मैं डायरेक्टली उनको नहीं जानती, बट थ्रू माय स्टाइलिस्ट. आई टोटली गेट. अच्छा, तो आप देखिए ऐसा है कि एक बात जो है हमारे बारे में कही जाती है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, कहाँ, कहीं के लोग कहे जाते हैं गुस्से वाले होते हैं, कहीं के लोग समझदार बताए जाते हैं. मध्य प्रदेश के जो लोग हैं हमारे, जो खासकर इंदौर भोपाल के जो लोग हैं, वो चटोरे कहे जाते हैं. साहब लोग कहते हैं कि चटोरे हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, तो आपने थोड़ा इंडल्ज किया खाने पीने में माशाल्लाह से. हाँ, वहाँ का मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं ज़्यादा बाहर का खाती नहीं हूँ, पर पोहा सेव के साथ जो मैंने खाया, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है. बिल्कुल हल्का सा अगर उस पे आप जीरा वन अगर डाल लेते हैं माशाल्लाह. हाँ, से इतना खूबसूरत हो जाता है वो, और नींबू निचोड़ के पोहे सेम, और ओहो अल्लाह अल्लाह, उसके लिए तो वापस जाना होगा. ऐसा भगवान के दर्शन उसी से होते हैं सुबह सुबह आपको, कि जब आप उठे. और यही मुझे मुझे इंदौर के बारे में जो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं वहां पर लड़ा हूँ, कि उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि सबसे अमीर आदमी भी सुबह उठ के पोहे खाता है, सबसे गरीब आदमी भी सुबह उठ के पोहे खाता है, 10 रुपए में सबका पेट भरता है, यही हमारी तासीर है. मेरे ब्रदर इन लॉ जो है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, वो इंदौर के हैं. अच्छा, और वो कहते रहते हैं वी शुड डू वन फूड ट्रिप टू इंदौर प्लीज. या तो बहुत सालों से वो कहते रहे हैं, इंशाल्लाह आफ्टर द पेंडेमिक वी विल गो, आई विल अकॉम्पनी यू. अगर आप जा रही है, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में किसी को भी अगर ये लगता है कि वेजिटेरियन खाने के ऑप्शन नहीं आते, वो इंदौर में गया. सुना है? आपको पता है एक 56 दुकान है वहाँ पे, सिर्फ वेज खाना मिलता है. सराफा एक लेन है इंदौर में, सराफा की बात करते रहते हैं वो हमेशा. जी जी, पूरा ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और हर दुकान अलग तरह का आपको एक अलग तरह का टेस्ट आपको ऑफर करेगा, और सारा वेज, सब वेज, हाइजीन एकदम हाई, सफाई एकदम ज्यादा, और इतनी सफाई कॉन्शियस लोग हैं, इतना आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे. आप बिल्कुल, अगर आप वेज हैं और आपको अगर वैरायटी जिंदगी में आपको देखनी है, तो आप प्लीज कभी सराफा जाइएगा मेरी तरफ से, और इंदौर आप देखिएगा, और महेश्वर, पंचमणि, आप ऐसी जगह है वो सब विजिट कीजिए, आपका जीवन परिवर्तन होगा, मैं कह रहा हूँ आपका. आई एम श्योर. तो मैं बस आखिरी में यही बात कहूंगा, जो है मास्क लगा के रखें और खुश रहें, आबाद रहें, है ना, और अपनी अपनी तमीज में रहें. हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी वही है, वही वही, क्योंकि लोग
हाँ जी हाँ, क्योंकि लोग फैल रहे हैं ना, थोड़ा लॉकडाउन खुलता लोग फैल जाते हैं कि नहीं नहीं भाई थोड़ा हिसाब से रहो, ऐसे मत करो, जान है तो जान है प्यारे बिल्कुल कुछ नहीं रखा इन बातों में, ठीक है। चल तो आखिर में आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि शेरनी देखिए अमेज़न प्राइम पे, और हिंदुस्तान का दिल देखिए मध्य प्रदेश में, तो बड़ी खूबसूरत जगह है, और ज़रूर ज़रूर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर।